वैल्यू सियान देश का बेस कैंप तक खोल दिया था और आर्मी वाले बहुत रिक्वेस्ट करते थे जितने भी विजिटर्स आते थे कि प्लीज हम फोटोग्राफ मत लीजिए जगह जगह लिखा था कि प्लीज डू नॉट टेक एनी फोटोग्राफ हम लोग एक चीज़ रियलाइज नहीं करते हैं कि जब हम आर्मी इंस्टॉलमेंट्स की इंस्टॉलेशन की और इनकी फोटोग्राफ लेते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं तो हम अकेले नहीं हैं जो हम उसको देख रहे हैं अपने दोस्त देख रहे हैं उसको हमारे एनिमीज, एनिमीज भी सर्च, भी सर्च करके भी आपकी सर। फेसबुक को सर्च करके उसमें फोटोग्राफ्स को एनलार्ज करके डिटेल्स निकालते हैं इनका हेलीपैड कहाँ पर है इनकी वो चीज़ कहाँ लगी हुई है इनका वो कहाँ वो चीज़ का रियलाइज नहीं करते हैं yes, you... हम बेसिकली अपनी ही कंट्री की इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने एनिमीज को पास ऑन करें और ड्रोन जैसे ड्रोन इज नॉट अलाउड इन लद्दाख अगर वो अलाउ है तो कहाँ है क्या परमिशन है उसकी गाइडलाइंस बनी हुई है मेजोरिटी ऑफ द लद्दाख बेसिकली नो बेसिकलीरिया या क्योंकि तो कहीं ना कहीं जब भी उड़ाएंगे तो कोई ना कोई इंस्टॉलेशन होती है होती है बिल्कुल <laughs> ठीक है, <laughs> है तो उस तरह के नॉर्म्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे होटल आप बहुत लोग क्या करते हैं कि मेक माई ट्रिप पर गए होटल आपने बुक कर लिया फिर वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद वो टैक्सी यूनियन में चले जाते हैं वहाँ से टैक्सी आकर वो भी फाइन है वो भी ठीक है

हम लोग जो अपनी एटीज सेवेंटीज़ एटीज की जो बात कर रहे थे ठीक है उस टाइम के ऊपर लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं था लेकिन अब इस बात को तीस चालीस साल होने को आ रहे हैं अब तो अभी क्या है कि जो लद्दाख में द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ इन अ वेरी गुड कंडीशन और आ, आ, अच्छी गाड़ियाँ एक से एक अच्छी गाड़ी अवेलेबल है आर अवेलेबल टेम्पो ट्रैवलर इसी साल ही कम से कम तीन सौ टेम्पो ट्रैवलर्स भी रजिस्टर हुई हैं नई वाले और जो लोकल ओनर्स हैं वो गाड़ी को चेंज करते हैं मेंटेन भी तो अच्छी मेंटेन करेंगे तो तकलीफ उनको ही कम होगी हाँ तो हर गाड़ी अच्छी मेंटेन है और अच्छा पैसा खरीदते हैं अपनी गाड़ियों को अच्छा देखभाल अच्छी करते हैं तो ऑब्वियसली है कि जो लोकल नॉलेज जो जो लोकल को अवेलेबल है वो बाहर वाले को शायद ना हो तो जो लोग आते हैं एक अच्छे टूर ऑपरेटर के साथ ट्रैवल करें हमेशा टूर ऑपरेटर के साथ ट्रैवल करें जो अगर आपने सपोज करिए आप दिल्ली बॉम्बे पूना कैलकाटा बेंगलोर जहाँ से भी आ रहे हैं आपने हो सकता है वहाँ पर किसी का कोई पैकेज लिया हो तो जितने भी होल सेलर्स हैं जो बड़े वाले टूर ऑपरेटर्स हैं सबका अपना अपना किसी ना किसी अपने लोकल लद्दाखी टूर ऑपरेटर के साथ में टाइप है और आपको उनके थ्रू ही ट्रैवल करना चाहिए बिकॉज देन यू आर वेल टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जी यू नो तो ये मेरी रिकमेंडेशन है और होटल आप बहुत लोग क्या करते हैं कि मेक माई ट्रिप पर गए होटल अपना बुक कर लिया फिर वहाँ पर पहुंचे तो पहुँचने के बाद वो टैक्सी यूनियन में चले जाते हैं वहाँ से टैक्सी हायर कर ली वो भी फाइन है वो भी ठीक है वो एक अपना टाइप का एडवेंचर है अपने और अपने हां सम पीपल लाइक लाइक टू ट्रैवल दैट कि आई आई विल सी व्हेन रीच देयर मैं वहां जाऊंगा वहां लोकल जाके फिर मैं टेम्पू ट्रैवलर बुक करूंगा यूनियन में जाके तो ठीक है वो आपको यूनियन में ही जाना पड़ेगा और सारे प्राइसेस लद्दाख में सबसे अच्छी बात क्या है कि ऑल प्राइसेस आर पब्लिड हमलिस्टर okay. वो सबके लिए है कोई ये नहीं कह सकता कि कि वो उस ड्राइवर ने मेरे से ढाई हज़ार लिए आपने मेरे से तीन हज़ार लिए वो सब जो है वो सामने रख देते हैं टैरिफ आपके सामने और पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेशन होती है और कुछ रूट स्टैंडर्ड रूट बने हुए हैं टू नाइट थ्री नाइट फोर डेज के वो टैरिफ बना हुआ है तो ईजिली कैलकुलेशन करना कोई मुश्किल नहीं है उसका तो किसी के साथ ये कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे साथ कोई जियाती हो गई भी मेरे से ज़्यादा पैसा ले लिया या ऐसा हो गया नथिंग लाइक दैट तो एनी वे कॉन्टिन्यू ऑन दैट रूट

एंड दीज कैमल्स आर यूज टू लिव इन दो वेरी कोल्ड कंडीशन यू नो तो uh, पहले तो जब कैमल सिल्क रूड के टाइम पर तो पहले घोड़े भी यूज होते थे लेकिन घोड़े सर्वाइव नहीं कर पाते थे गोइंग टूवर्ड्स रूड इन सेंट्रल एशिया में वहाँ का कोल्ड वैदर हार्श वैदर लेकिन ये कैमल सर्वाइव अच्छी तरह से करते हैं तो जो हमारे मर्चेंट्स यहाँ से जाते थे hmm. उन्होंने फिर ये कैमल लेकर नीचे आ गए hmm. और नूबरा वैली में रखे उन्होंने इन कैमल को फिर जब सिक्सटी uh, टू की वॉर में जब खत्म हो गया सब कुछ और ट्रेड बंद हो गई तो इन कैमल्स का क्या करें तो कैमल्स को छोड़ दिया गया ऐसे तो ये कैमल्स okay. ऐसे ही आवारा फिरते थे, थे कुछ hmm. नहीं है तो जब टूरिज्म शुरू हुआ तो फिर आइडिया आया कि इन पर कैमल राइड क्यों ना कराई जाए hmm. तो किसी ने कुछ सोचा उसके बारे में एक्सपेरिमेंट हुआ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया फिर इन कैमल्स को दोबारा से रीग्रुप किया गया ब्रीड किया गया अब तो काफ़ी सारे हैं तो ये एक्टिविटी है वहाँ की नबरा की और वहाँ का एक डिस्क्रिक्ट जो गोम्पा है वो भी बहुत ही बहुत ब्यूटीफुल है और वहाँ पर मैत्री बुद्धा फ्यूचर बुद्धा की एक ऑलमोस्ट थ्री स्टोरी फोर स्टोरी हाई स्टैचू है और एक वेंटेज बर्ड आई व्यू मिलता है आपको पूरी वैली का आप ऑल द वे तुरतुक थ की तरफ देख सकते हैं और राइट एंड साइड में आप देख सकते हैं जो सियाचन ग्लेशियर जाता है जो हमारी हाइस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड है वो अब ये सारे एरियाज ओपन है राइट right. तो आप नबरा में आप रुकी हर तरह का आजकल हर तरह के होटल्स अवेलेबल हैं राइट फ्राम यू नो वैम्प नो

पहले तो हुडरी बहुत डेवलप हुआ अब तो डिस्क्रिक्ट बहुत डेवलप हो गया है अब तो पार चले जाइए तो उधर में आपका तिरिथ गांव जो उनसा है और उसके आगे के आ, पनामिक के साइड तक बड़े अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स आ गए हैं बहुत ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स है तो वन शुड एक्सप्लोर यू नो अपनी उसके हिसाब से लोकेशन के हिसाब से अपने बजट के हिसाब से तो नुबरा इज़ लाइक अ वन नाइट स्टॉप और टू नाइट स्टॉप येस टू नाइट स्टॉप मैं आपको छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इन वन ऑफ माई ट्रिप्स हम ले से नूबरा आ रहे थे तो खार दूंगा क्रॉस करने के बाद जब आप बिल्कुल नीचे आ जाते हैं मोट वोट थी नवरा साइड तो उस दिन की शाम रात बड़ी खूबसूरत थी ओपन वेरी गुड स्काईज और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे चाँद बिल्कुल मेरे साथ में है, और मैं उसको हाथ में पकड़ सकता हूँ इट वॉज सो ब्यूटीफुल ये ब्यूटी अलग ही है क्योंकि एयर इतनी क्लीन है हाँ यू नो देूशन दिल्ली के अंदर हमारी ए क्यू आई फोर हंड्रेड प्लस में चली गई hmm. और लद्दाख के अंदर जो ए क्यू आई है इट इज़ बिटवीन वन टू टेन मुकाबला ही नहीं है, है। मुकाबला ही नहीं है मुकाबला ही दैट्स द रीज़न अगर आप सॉरी सिटी लाइट से बाहर चले जाएँ hmm. क्योंकि अब तो इलेक्ट्रिसिटी आ गई इतनी ज्यादा तो अब सिटी लाइट से अगर बाहर चले जाएं तो यू कैन सी द मिल्की वे विद योर आई यू नो वन ऑफ इज़ फेमस फॉर दैट अब में लाइट है थोड़ा लेकिन साइड में अगर आ जाए कहीं hmm. ऐसी जगह में जहाँ पर सिटी लाइट ना हो सी तो द hmm. सीधा मिल्कि hmm. uh, देवेंद्र जी पहले सिर्फ एक ही ट्रेडिशनल रूट होता था कि आप लद्दाख बेस नबरा वैली वन नाइट और टू नाइट बैक टू द सेम रूट देन अगेन मिनिमम वन नाइट स्टे एट ले एंड देन ऑन टू स्टेट अदर साइड नाउ देर इज अ न्यू रूट विच हैजन अप सो कैन यू ऑन अबाउट दिस न्यू रूट जी हाँ जो लोग पहली बार लद्दाख आ रहे हैं जैसे हमारे फॉरेन गेस्ट आते थे तो फॉरेन टूर ऑपरेटर क्या करते थे दिल्ली आगरा जयपुर डेली कराया गोल्डन ट्रायंगल गोल्डन ट्रायंगल और वो कहते थे हमने इंडिया देख लिया विच इज़ नॉट ट्रू एट ऑल ये इंडिया बहुत बड़ा है हाईली डाइवर्सिफाइड है यू mm. नो you know, हमारे यहाँ दुनिया भर की कॉन्ट्राडिक्शन हैं mm. आप एक ही टाइम के अंदर डेजर्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ओशन एंड हिमालय uh, आप एक ही टाइम में देख सक जो हैं। मन करे वो करो हाँ वो जो करो तो इतनी डाइवर्सिटी है तो डाइवर्सिटी लद्दाख में भी है तो ओवर द पीरियड पहले तो एक ले वैली ही सिर्फ होती थी भाई अपने शे, अपने मॉनसिज़ देखी शे ठिक्स से हिमिस किया इधर से लकी लालची किया लामाजू किया बस ख़त्म लद्दाख हो गया या ट्रैकिंग किया तो वो अलग बात है तो ट्रैकिंग बहुत होती थी पहले अब क्या है कि विद द फुटफॉल इंक्रीजिंग और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम गम, करके साथ में डेवलप हो रहा है हम ओवर द पीरियड बात करेंगे आगे कि उसका असर इकोलॉजी पे क्या हो रहा है तो लोकल एनवायरनमेंट पे क्या हो रहा है क्या चैलेंजेस हैं यू नो वो उसके अलग चैलेंजेस हैं तो क्योंकि तो आपने मुझसे पूछा था अब ऑफलाइन की कि ये इसके बारे में भी हम कुछ बात करेंगे तो बाकी जैसे तुरतुक थांग है हाँ जी अब ये एरिया खुल गया है तो यू कैन गो ऑल द वे टू तांग विलेज नाउ विच इज राइट द पाकिस्तान बॉर्डर अलॉन्ग द शोक रिवर और ये भी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि सेवनटी की वॉर में mm -hmm. ये जो सात गाँव थे इंडिया ने जीते mm -hmm. और कर्नल रिंचन थे उस टाइम के ऊपर वो कैसे उन्होंने उसको जीता मतलब वा, वो बड़ी एक अच्छी स्टोरी है उसकी और जब इंडियन फौज वहां पर पहुंची तो एकदम शोर मच गया पाकिस्तान साइड में तुरतो कॉन्वर्ट्स के साथ वो फौज आ गई फौज आ गई इंडियन फौज आ गई तो सब इधर उधर भाग गए और कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा खास मिली नहीं आगे से तो उसके बाद तो उनको आवाज़ें दे दे के बुलाया गया वापस कि भई अब आ जाओ कोई बात नहीं हम किसी को मारने वाले नहीं है कुछ नहीं है तो फौज ऑल द वे टांग तक पहुँच गई उसके बाद में फिर शोक रिवर पार करना था तो शायद आई थिंक uh, आर्मी कमांडर्स ने डिसाइड किया होगा कि भई शोक रिवर पार मत करो नहीं तो हम लोग अपनी सप्लाई लाइन लॉजिस्टिक लाइन से और अपनी कम्युनिकेशन लाइन से बहुत दूर हो जाएंगे तो कल को ऐसा ना होगी वो ट्रैप हो और वो अटैक हो तो हम लोग पीछे से सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो आई थिंक वी स्टॉप एट दैट और वहीं पर ही अभी हमारी चेक पोस्ट तो यू कैन गो देट ओके और लोकल लोगों ने बड़ा जो थांग गांव के लोग हैं उन्होंने कैफेटेरियाज बना लिए हैं वो स्पेशल लंचेस करते हैं दिस ऑल द बाल्टी कल्चर तो वो बाल्टी कल्चर के अंदर आपको आप देखने को मिलता है वो, वो बाल्टी फूड खिलाते हैं आपको आप वहाँ पर जाके लंच करिए और सामने देखिए बॉर्डर है पाकिस्तान का और लेकिन वहाँ की स्टोरी भी ऐसी है जैसे पार्टीशन की हुई थी बाकी जगह में वहाँ के लोग बंट गए दो गाँवों में पार में भी एक गाँव है इधर गाँव है ये सारे रिश्ते हैं इनके आपस में और मुझे उस गाँव का नाम याद नहीं आ रहा तो आ, जब वो इंडियन फौज पहुंच गई और एकदम उसके बाद में बॉर्डर सील कर दिया गया तो किसी की कोई फैमिली का आधा आदमी वहाँ रह गया बच्चे इधर आ गए माँ बाप कहीं और मिलने के लिए गए थे उधर या बच्चे उधर गए थे नाना नानी के पास में तो इधर माँ बाप इधर रह गए तो वहाँ की बड़ी सैड स्टोरी है कि कैसे फैमिलीज़ डिवाइड हो गई बिल्कुल वो एक दूसरे को देख सकते हैं आई से बट सैडली मिल नहीं सकते हाँ मिल नहीं सकते तो वहाँ की uh, है लेकिन बट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया सेकेंड जो आपको एक एक्सक्रशन मिलता है वो है आपका ऑल द वे टू सियाचिन ग्लेशियर हाँ जी और आप जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर इज़ द हाइस्ट बैटल इन द वर्ल्ड और इंडिया ने उसको कैप्चर किया था पाकिस्तान के पहुंचने से चार दिन पहले और वहाँ पर कुमार पोस्ट है एंड कर्नल कुमार जो बुल जिनको कहते थे बुल कुमार तो उनको स्पेशल परमिशन मिली थी मिसेज इंदिरा गांधी से एट दैट टाइम शी वाज प्राइम मिनिस्टर टू गो एंड कैप्चर द एंटायर सियाचिन क्योंकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान उसको कैप्चर करने आ रहा है तो वहाँ की जो हाइस्ट पोस्ट है उसका नाम ही कुमार पोस्ट है ओके हाँ तो सियाचिन ग्लेशियर का पहले सियाचिन ग्लेशियर का बेस कैंप तक खोल दिया था और आर्मी वाले बहुत रिक्वेस्ट करते थे जितने भी विजिटर्स आते थे कि प्लीज़ यहाँ फोटोग्राफ मत लीजिए जगह जगह लेकर था कि प्लीज़ डू नॉट टेक एनी फोटोग्राफ़ हम लोग एक चीज़ रियलाइज़ नहीं करते हैं कि जब हम आर्मी इंस्टॉलमेंट्स की इंस्टॉलेशंस की और इनकी फ़ोटोग्राफ लेते हैं और सोशल मीडिया पर डालते हैं तो हम अकेले नहीं हैं जो हम उसको देख रहे हैं अपने दोस्त देख रहे हैं उसको हमारे एनिमीज सर्च करके भी, आपकी फेसबुक को सर्च करके उसमें फोटोग्राफ्स को एनलार्ज करके डिटेल्स निकालते हैं इनका हेलीपैड कहाँ पर है इनकी वो चीज कहाँ लगी हुई है इनका हम बेसिकली अपनी ही कंट्री की इन्फॉर्मेशन अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने एनिमीज को पास ऑन करते हैं या आपके आ, आर्मी इंस्टॉलेशन कुछ भी ऐसी सेंसिटिव चीज़ हो नेशनल इंपॉर्टेंस की तो है है है। की उसकी फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे तो इंपॉर्टेंस की तो बिल्कुल इंपॉर्टेंस की बिल्कुल ठीक कह है स्ट्रेटिक मत डालिए उसकी पिक्चर बिल्कुल मत डालिए वो पिक्चरें डली मना करने के बावजूद भी मैं खुद गया उनसे अचिन तक और मना करने के बाद भी लोग नहीं मानते और दे फील प्राइड की देखा मैंने चोरी से पिक्चर ले ली इज वेरी सैड विच इज वेरी सैड तो उन्होंने फिर आर्मी डिसाइडेड कि उस का बेस कैंप तक का बंद कर दो तो उन्होंने क्या किया कुछ किलोमीटर पहले एक पर्टिकुलर स्पॉट है जहां से वो बेस कैंप नजर नहीं आता है लेकिन ग्लेशियर नज़र आता है अब उन्होंने वहां पर चेक पोस्ट बना दी और वहां से आगे अलाउड नहीं जाना बल्कि आप देखिए ना कि इसका नेगेटिव इफेक्ट कि उस इंडिविजुअल ने तो फोटो खींच ली और बाकी सारे सफर कर रहे हैं बाकी सारे आज सफर कर रहे हैं और पता नहीं कितने समय तक सफर करेंगे करेंगे मुझे नहीं लगता और इजीली गवर्नमेंट खोलेगी नहीं वेरी बैड एक्सपीरियंस एग्जैक्टली सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस respect the system hamari हमारी ja rahi रही है या हमारे कहीं lagi लगी हुई ha हाँ. जैसे ab further अब border की तरफ जाएंगे जो कि खुल गया है अभी तो please do not take any pictures you know uh, क्यों लेनी है picture अब aankhon से देखिए appreciate करिए soldiers जो अपनी जान गवा के जो वहाँ पर uh, अपनी जान को रिस्क लेके उन border एरिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डोंट टेक देयर पिक्चर्स सही even उनका नाम उनका रैंक न्यूज डॉट नो नो उससे पता लग जाता है कौन सी हमारी यूनिट कहाँ पर पोस्टेड है हाँ ये खबर तो बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए एंड इवन खारदुंगला वगैरह पे भी और इस तरह के हायर एल्टीट्यूड पर आपको एक सिर्फ लिमिटेड पीरियड तक के लिए आर्मी को कहा जाता है कि आप सिर्फ इतने दिन यहाँ पर रहेंगे जी क्योंकि उनके पीछे उनके रीजन्स हैं कि दे आर वेरी हाई एल्टीट्यूड एप्सोलूटली और वहीं से ही दुश्मन कुछ भी कर सकता है जी तो दे डेफिनेटली हैव टू बी अवॉइडेड सो तो जैसे हम पेंगयोंग में आते हैं न्यू uh, रूट mm -hmm. जैसे आपने बताया mm -hmm. कि अब हाँ ये वाला जो रूट अब तो ट्रेडिशनल रूट बन गया है ये वाला तो काफ़ी सालों से खुला हुआ है mm -hmm. पहले चैलेंजेस थे उसमें पानी आ जाता था mm -hmm. सीजन में mm -hmm. रोड बह जाती थी तो फिर उसमें क्रॉस नहीं कर पाते थे अभी भी हो जाता है कभी कभी mm -hmm. पिछले साल भी आ, हाँ पिछले साल भी हुआ एक बार कि पानी बहुत ज़्यादा आ गया और नाले में वो क्रॉस नहीं कर पाए तो लोग फिर वारीला क्रॉस करके घूम के चांगला करके फिर दोबारा से पहुँचे वहाँ पेंगोंग लेक तो वट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल रोड टू गो तो आपकी ये ड्राइव जोन सी है इट इज अलॉन्ग द शौक रिवर राइट इट इज ऑन द ट्रू लेफ्ट बैंक ऑफ द शौक रिवर अप स्ट्रीम आप उसको फॉलो करते हैं एंड देन फाइनली और बड़ी ब्यूटीफुल ड्राइव है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आगे छागा गांव के बाद में वो जो गॉर्ज में से निकलती है mm -hmm. वहाँ पर आप आज भी पुरानी सिल्क रूट की ट्रेल देख सकते हैं ऑन द राइट एंड साइड यू आर गोइंग टूवर्ड्स पेंगोंग अभी भी नजर आती है वो ट्रेन उस mm -hmm. गॉर्ज में से वो uh, लोग जाते थे uh, करने के लिए uh, ट्रेडिंग करने के लिए so, तब भी ट्रेड कैसे किया जाता था लोग कैसे कैसे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड से आते थे और इस सिल्क रूट को अडॉप्ट किया जाता था व्हाट ए गुड बिजनेस आई एम श्योर एट दैट टाइम दे वुड बी मैं तो बड़ा हाईली रिकमेंड करूंगा कि ले टाउन में अपना वहाँ पर एशियन म्यूजियम है एक राइट इट इज़ अ प्राइवेट म्यूजियम जिन्होंने रन बाई ए लोकल मुस्लिम फैमिली उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया है उसको और अगर वो क्यूरेटर खुद मिल जाए वहाँ बात करने के लिए अगर आप उनसे बात करें तो उनकी जो स्टोरी सुनने वाली हैं ट्रेड की वो अमेजिंग है right. तो जब आप बाज़ार में हो तो प्लीज़ उसको जरूर विजिट करें एशियन म्यूजियम गुरुद्वारे के पास में चांगला का सर आपने जिक्र किया ट्रेडिशनल रूट से जाते हैं टूवर्ड्स थैंक तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वेयर यू जनरली टेक अ ब्रेक फॉर टी कॉफ़ी और नेचर वट एवर यू ऑन मुझे सर वहाँ की ना चाय बड़ी पसंद आती है जो आर्मी वाले पिलाते हैं अब तो खैर डेफिनेटली कैफेटेरियाज भी खुल गए कैफेटेरिया खुल गया पर तो। उस पहले तो सिर्फ आर्मी वाले ही थे आ, वो चाय पिलाते थे, थे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट और सलाम है सर इन सभी आर्मी वालों को जो कि हमारे इन बॉर्डर्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं जी जी एंड सेकेंडली हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल भी करते हैं बिल्कुल बिल्कुल एंड एट दो नॉट अ इट्स नॉट तो आप आते हैं जब आप जाएंगे पेंगोंग तो देन यू कम टू दुर्बुक क्रॉस करके और दैन यू फाइनली उसके तीन चार गांव काफ़ी अब डेवलप हो गए पेंगोंग के साथ साथ तो है आपका मान है फिर मेरेक है तो ये सारी जो जगह हैं सब टेंट्स पहले, पहले पहले टेंट्स लगते थे अब सारे प्री फेब्रिकेटेड कॉटेजेस मैक्सिमम हो गई हैं अभी टेंट्स अभी भी हैं तो हर तरह की अकोमोडेशन अवेलेबल है पेंगोंग के हाँ, पहले तो आपको रात रोके नहीं सकते थे, नहीं, नहीं सकते बिल्कुल थे, थे, हाँ, हाँ, मैं आज भी अभी, अभी अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स निकालता हूँ तो मैंने पिक्चरें जो ली हुई हैं हमारी अकेली गाड़ी सिर्फ वन सिंगल कार इन द एंटायर इन द मंथ ऑफ जून मैं कितनी बार गया जब मैं था वहाँ पर जून में भी गया जुलाई में भी गया अपने ग्रुप्स लेके कभी हमारी सिंगल गाड़ी या हमारा सिंगल ग्रुप कोई नहीं होता नहीं था वहाँ को कोई ओवरनाइट स्टॉप नहीं था कुछ नहीं आप सुबह गए शाम को वापस आए सुबह निकलते थे पाँच बजे हाँ। और शाम को पाँच बजे बारह घंटे के बाद वापस आते हाँ। थे कभी सात बजे कभी आठ बजे डिपेंडिंग ऑन रोड कंडीशन यू नो कैसे रहते आदमी इंसान पहंगे लेक पर एक घंटे से ले कर दो घंटे मैक्मम मैक्मम मैक्म बट वो जो पाँच साढ़े पाँच घंटे की ड्राइव जी और वापसी की जो ड्राइव है उसका अगेन नज़ारा ही डिफरेंट बिल्कुल बिल्कुल एंड सर्दियों में अगर आप हो तो फ्रोजन लेक है फ्रोजन लेक है, बिल्कुल <laughs> उसका एक अलग है और उस पर आप चल भी सकते हैं यू वॉक आई द फ्रोजन लेक टाइम्स नो तो उसका भी अपना एक, एक, एक अलग चाम आ, है एक अलग चार मतलब पूरी जमी होनी चाहिए तभी वॉक करें ऐसे नहीं कि <laughs> कहीं भी वॉक करना शुरू कर दें अगर टूट गई तो <laughs> <laughs> तो वो yes. थोड़ा देख के ध्यान देख के ही करना पड़ता है वो तो आप एक तो वो है पेंगोंग लेक और आपने मुझे सवाल पूछा था और कौन से एरियाज आगे क्या हो गए हाँ जी देखिए ट्रेडिशनली क्या करते थे लोग अपना पेंगोंग के बाद में चांगला पार करके और फिर अपना ले वापस आ जाते थे अब क्या है कि जो नए एरियाज खुले हैं दिस इज़ बेसिकली क्योंकि डोमेस्टिक ट्रेवलर अब बहुत बढ़ गया बहुत है बहुत बढ़ गया है सो दे वुड रियली लाइक टू एक्सप्लोर वॉट इज मोर न्यू विच इज़ दे गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिक्लेयर की है जिसके अंदर ए टी ओ आई एडवेंचर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बहुत काम किया है इंडियन आर्मी के साथ मिल और गवर्नमेंट की पॉलिसी भी जो आई है वाइब्रेंट विजेस की तो जो कि बॉर्डर टूरिज्म है बेसिकली और मेगा ट्रेल्स भी आई हैं तो वाइब्रेंट विलेज बहुत सारे रिकग्नईज़ किए गए हैं लद्दाख के अंदर भी और अब आप हाल जब आप पहुँचते हैं वहाँ पर पैंगांग पैंग के बाद ना यू कैन ड्राइव द पेंगोंग लेक आपको पता है सिक्सटी फोर्टी की रेशियो है चाइना में सिक्सटी परसेंट हमारा फोर्टी परसेंट लेकर आ गए हमारे पास तो लास्ट जो गांव आता है मेरक अब मेरिक में भी बड़े अच्छे अच्छे होम स्टेज गेस्ट हाउसेज एंड रिजॉर्ट्स है कम आप और अब टूरिस्ट केयर स्प्रेड आउट हो गए हैं वरना पहले कहते एक ही जगह स्पांगमिक में और वहीं पर ही आ, सारा जोर रहता था अब पीपल आर स्प्रेड आउट मान गाँव के अंदर भी बहुत काफ़ी स्प्रेड आउट हो गया है तो लेकिन कुछ ज़्यादा हो रहा है यू you नो know, तो थोड़ा सा उस पर कुछ कंट्रोल चाहिए वो अपने इश्यूज़ हैं जैसे हम बात कर रहे थे पहले ऑफलाइन की बहुत सारे लद्दाख के अपने भी इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं जी जैसे क्विक एग्जांपल मैं आपको दूंगा स्टोक कांगरी है स्टोक कांगरी पे क्लाइम होता था लेकिन स्टोक कांगरी ओवर क्लाइम मतलब ओवर फुटफॉल हो गया और उसके अपनी रेप्रिकेशन हुई फाइनली स्टोक कांगरी स्टोक गाँव के विलेजेस ने अपनी मीटिंग करके उन्होंने खुद डिसाइड किया कि स्टोक कांग्री इज़ क्लोज फॉर क्लाइम गाँव क्योंकि ग्लेशियर पर इतना ज़्यादा पूप हो गया हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंब व गंग देवर शिटिंग ऑल ओवर तो वो पानी पलूट होता है वहाँ का सब कुछ है और आ, आ, स्नो लैपड आना बंद हो गया वैली में क्योंकि भड़हाल आने बंद हो गए तो, हाँ, हाँ तो वो इश्यूज़ थे उसके लेकिन अब रिसेंटली क्या कि ब्लू शिप अब नाले में आना शुरू हो गया है और अभी स्नो लेपड ने बिल्कुल स्टोक पैलेस के पीछे ही एक किल किया था अभी तो इसका मतलब स्नो लेपड भी वहाँ तक पहुँच गया है तो थिंग्स आर कमिंग बैक देना और डिस्ट्रॉय करने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता लेकिन कंजर्व करने में, में बहुत टाइम लग जाता है और एक्चुअली कंजर्व ही रहना Future चाहिए कंजर्व ही रहना फ्यूचर जनरेशन को क्या दिखाएंगे जी हम आगे क्या उनको फा, 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 क्या दे रहे हैं क्या हम उनको? देंगे उनको बिल्कुल तो बड़ा जरूरी है इस पर एक बहुत थाट प्रोसेस चाहिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं लद्दाख के मतलब दे हैव टू पुट देयर हेट्स टुगेदर कि भाई ठीक है बिजनेस अपनी जगह है और टूरिज़म का भी अपनी जगह है लेकिन हमारा कल्चर हमारा रिलीजन हमारी हेरिटेज, हमारी वैल्यूज़ ये कहाँ जा रही हैं एक और चीज़ जो मैंने देखी है देवेंद्र जी कि इनिशियल जब बहुत ज़्यादा यूथ होता है तो यस चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ देम इफ़ नॉट ऑल वो वैल्यूज़ को थोड़ा सा कम समझते हैं क्योंकि शायद उम्र का तकाजा रहता है बट एज़ दे रीच एज सर्टन एज बियॉन्ड ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव दे ऑल्सो आस्कर्स द क्वेश्चन कि आपने हमारे लिए इस कंट्री में क्या बचा के रखा क्या हैरिटेज बचाई के नहीं, नहीं। वैल्यूज़ क्या दी के नहीं जी हमने भी किसी से सेल्फ डिसिप्लिन सीखा आगे वो भी जैसे ऐसे बढ़ रहे हैं तो सीखते हैं तो ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपने जैसे जिक्र किया स्पेशली एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स का आई एम अग फैन ऑफ देयर्स क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट प्रेजिडेंट्स के साथ में काम करने का डिस्कशन का डिफरेंट फोरम्स पे मिलने का मौका मिला इट्स ए वेरी नाइस एसोसिएशन डूइंग देयर जॉब वेरी प्रोफेशनली एंड कोई भी अगर एडवेंचर में आना चाह रहा है सो दे शुड और इस फील्ड में आना चाह रहा है चाहे वो टूर ऑपरेटर है या गाइड hmm. है दे शुड डेफिनेटली कॉन्टेक्ट देयर ऑफिस बिकॉज द एसोसिएशन इज़ इन द राइट हैंड्स आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैम की बट इट्स ए माई परसेप्शन थर्टीन बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं राइट फ्राम द फाउंडिंग कैप्टन सुदेश कुमार वो जुबान फाउंडिंग फादर रानीपुरी यू नो शिव जुबान उन्होंने शुरुआत की इसकी और सब तेजबीर हाँ तेजबीर आनंद बजाज अब नाम लें यू नो अक्षय कुमार uh, सब लोग yeah. uh, कहने का मतलब ये है कि uh, जो बहुत जरूरी है जो एक लद्दाख में आई uh, होप हम सब्जेक्ट से नहीं भटक रहे uh, just a discussion because yeah, से हैं तो क्योंकि अब क्या है कि लद्दाख ना लद्दाख टूरिज्म एक उस पॉइंट पर आ गया है नेक्स्ट लेवल पर आ गया है कि अब यहाँ पर जो प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत वेल well डिफाइन होता है और इसको उस उसको सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यू नो जो गाइडलाइंस एसोसिएशन ए ने गाइडलाइंस बनाई हैं पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट किया accept है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने एक्सेप्ट किया yes. है और अब नेशनल बॉडी एडवेंचर की नेशनल बॉडी बन चुकी है yes.

और बड़ा एग्रेसिवली उस पर काम हो रहा है और गवर्नमेंट इज़ सपोर्टिंग ऑल्सो तो कहने का मतलब ये है कि लद्दाख इज़ अ पार्ट एंड पार्सल उस इस व्हील का लद्दाख भी एक हिस्सा है जैसे स्पीति हिमाचल गढ़वाल उत्तराखंड दार्जिलिंग सारे हिस्से हैं एक लद्दाख बड़ा इंपॉर्टेंट व्हील है वो क्योंकि बहुत डिमांड है उसकी हॉट डेस्टिनेशन है और जितना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं तो लद्दाख को चाहिए कि इस वक्त टूरिज़्म में कि वेल ट्रेन गाइड्स हो गाइड्स की कमी है कभी कभी हम लोग फोन करते हैं तो गाइड ही नहीं मिलते हैं कभी uh, you know, जिसमें से गाइड्स को पुल आउट किया जा सके कि पर आपने फोन किया जैसे बाकी एसोसिएशन है तो एक गाइड का ट्रेनिंग चाहिए या तो वो सेल्फ टॉट है जिन्होंने ट्रेन किया वो उन्हीं के साथ ही काम कर रहे हैं वो तो एक अच्छा पुल चाहिए ट्रैकिंग गाइड्स का एक कल्चरल गाइड्स का एक अच्छा पुल चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपने बड़ी जिम्मेदारी के साथ में निभाना है यू नो व लद्दाख में ताकि हमारा कल्चर हमारा रिलीजन हमारी वैल्यूज़ हमारी सोशल वैल्यूज़ यू you नो know, और हमारी सबसे बड़ी बात है कि हमारा इन्वायरमेंट हमारी इकोलॉजी यू नो ये जितनी सस्टेनबिलिटी है ये सारा का सारा प्रिजर्व हो सके इवन सब मेरा एक एक्सपीरियंस था कि जब हमने स्टार्ट किया लद्दाख बेचना और हमारे पास फिल्म क्रूज काफ़ी सारे हम डिफरेंट हैंडल करते थे जी। तो परमिशन लेना एक अपने में चैलेंज होता था हाँ बिल्कुल सो so आप एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में नोडल बॉडी के कारण देते हैं देन इट इज़ टू दी होम अफेयर्स ऑल्सो लोकली वहाँ से भी परमिशंस चाहिए तो और ख़ासकर एक फॉरनर यूनिट को शूट करना बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशंस वाज अ चैलेंज And mm -hmm. we have faced it. Yes, we overcame it. Some may say bureaucrats by their own way. Your process should would outcrow or aapko permissions may be And now for the audience is that it has now become more easier to get the permissions mm -hmm. to shoot over there. So be it the local uh, our Bollywood or Hollywood, it's just an information to them that now it's Government of India has made it easier to shoot uh, Ladakh as a destination. जो भी उनके मापदंड हैं वो तो अपनाने वो तो अपना ही पड़ेंगे हाँ जो 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 जॉर्म्स हैं जो उनके एस ओ पीज़ हैं वो तो आपको और रूल्स को तो फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि और करना भी चाहिए और क्योंकि सेंसिटिव एरिया है बॉर्डर एरिया है आर्मी की इंस्टॉलेशन जगह जगह पर हैं और ड्रोन जैसे है ड्रोन इज़ नॉट अलाउड इन लद्दाख अगर वो अलाउ है तो कहाँ है क्या परमिशन हैं उसकी गाइडलाइंस बनी हुई हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द लद्दाख बेसिकली इज़ ए नो ड्रोन एरिया कोई कहीं ना कहीं जब भी उड़ाएंगे तो कोई ना कोई इंस्टॉलेशन होती, होती है होती है हाँ बिल्कुल ठीक है सर। तो उस तरह के नॉर्म्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे so, so, तो डेफ़िनेटली ये नए नए एरियाज जो खुलते जा रहे हैं जैसे अब आप मैं आपको बता रहा था कि देन पेंगोंग के बाद में जबकि गो टू वर्ड्स मेरेक टू ड्राइव अलॉन्ग द पेंगोंग लेक बहुत ही ब्यूटीफुल है पेंगोंग लेक अपर एरिया तो पेंगोंग लेक टू वर्ड्स बॉर्डर इज़ वेरी प्री क्या कलर्स हैं हर शेड हर थोड़ी देर पर लगता है कि ये फोटो लो अभी कुछ और कलर हो गया अभी कुछ और कलर हो गया इट्स वेरी वेरी प्रिटी और वहाँ से फिर आप पहुँचते हैं हालले की तरफ में hmm. अभी हालले खुल गया है सी हालले इज़ अ वेरी गुड स्पॉट यू नो एंड ओवरनाइट स्टॉप पहले क्या था कि हालले uh, के अंदर अकोमोडेशन भी लिमिटेड थी अब बहुत सारे अच्छे अच्छे होम स्टेज आ गए गे हैं गेस्ट हाउसेज आ गए हैं और हालले इज़ लाइक द डार्क जोन यू नो जहाँ पर आपको नाइट स्काई फैंटास्टिक you know, mm -hmm. वहाँ पर हमारा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी uh, भी है वहाँ पर हमारी जिसका जिसमें आई थिंक पाँच या छः एजेंसीज उसका पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं और वो शेयर होता है बेंगलोर में और uh, छोटे स्कोप भी हैं इंसिडेंटली हम लोग विजिट कर सकते हैं उन टेलीस्कोप्स uh, को ऑनली डे टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो वहाँ क्या, क्या कर रहे हैं mm -hmm. अब उन्होंने वहाँ पर एक बड़ा टी स्क्रीन लगा के उसमें पूरा दिखाते हैं कि वट काइंडफ़ वर्क दे आर डूंगू कैन सी वट वट यू कैन सी इन द नाइट टाइम लेकिन आप उसको जाके रात में नहीं देख सकते क्योंकि फिर उनकी अपनी रिसर्च चलती है वो दे डो नॉट वॉन्ट एनी डिस्टर्बेंस तो हालने के अंदर रात को जो नाइट स्काई और आप जो देखते हैं वहाँ पर इट्स अमेजिंग यू नो यू कैन सी द कॉन्स्टलेन्स विद द नेक आए और अगर आपके पास कोई टेलीस्कोप हो आप साथ लेके जाओ वहाँ पर लोकल लोगों के पास भी कुछ फैमिलीज हैं जिनके पास वो स्कोप हैं एंड दे चार्ज वेरी स्मॉल फी एंड देन यू एक्चुअली दे कैन शो यू तो हाल एक बड़ा ब्यूटीफुल ओवरनाइट स्टॉप है फर्दर डेवलपमेंट क्या हुई है कि हमारा सबसे हाइस्ट मोटरेबल रोड इन वर्ल्ड हैज़ बिन बिल्ड बाई बी आर ओ यू नो बाई टू ईर्स बैक कॉल उमलिंगला और वो नाइनटीन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव फीट तो आप हिसाब लगा लो क्या अमेजिंग रोड है मैंने उसके ऊपर ड्राइव किया दो बार और अमेजिंग यू नो और अब वाइब्रेंट uh, विज़ेस की बात कर रहे थे नाउ डैमचौ विच इज़ आवर फर्स्ट विलेज यू नो कमिंग फ्राम टिबेट चाइना जहाँ से इंडस एंटर करती है लद्दाख uh, में तो वहाँ तक अब आप जा सकते हैं वहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स भी हैं एंड यू कैन जस्ट विजिट दैट प्लेस राइट अक्रॉस यू कैन सी द चाइनीज विलेज सामने नज़र आता है वो चाइनीज़ फ्लैग भी लगे हुए नज़र आते हैं वो तो डैमचॉक इज ओपन नाउ तो एक डैमचॉक से इंडस uh, के साथ साथ एक नई रोड बन रही है और मुझे लगता है शायद नेक्स्ट ईयर तक वो शायद कंप्लीट हो जाए तो अदरवाइज ट्रैफिक के लिए तो ओपन हो ही जाएगी वो और अभी बाइकर्स तो मैंने देखा एक दो ने ट्राई किया तो निकल आए वहाँ से वो तो देट अ न्यू रोड विच इज़ कमिंग आप रोड कंडीशन बहुत अच्छी हैं ड्राइव करने का बहुत ही uh, मजा है होम स्टेज आर अवेलेबल देर सो दीज आर द न्यू एरियाज़ विच आर ओपनिंग एंड यू कैन एक्सटेंड यू नो यूर स्टे ऑल द वे देयर और दूसरा हालने से यू नो नाउ द न्यू रोड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन विच जो आपको ले जाएगी छोमरेरी लेक की तरफ में okay. mm. पेंगोंग लेक जोन सी है ये ब्रैकिश वाटर सॉल्ट वाटर mm. लेक है mm. एंडोरिक लेक है और आपकी छोमरेरी जोन सी है इट्स अ फ्रेश वाटर लेक और बहुत ब्यूटीफुल mm. है वो भी उसकी अपनी ब्यूटी अलग है mm. और तो वो भी रोड बन रही है अभी तो आपको कुछ और भी दो रोड हैं जाने के लिए जैसो लेकर एक एक, एक रोड बनी हुई है वहाँ से आप आ सकते हो और गो टू तो माहे ब्रिज फिर माहे ब्रिज से क्रॉस करके अंदर ये सारी रोड जितनी भी हैं ना अगले साल ट्वेंटी फोर तक आप पाएंगे ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट रोड्स आर इन गोइंग टू बी मे वेरी गुड कंडीशन ऑलरेडी हैं ऑलरेडी बन चुकी हैं तो आपकी एक क्या एक मोबिलिटी बड़ी अच्छी है गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं ड्राइवर्स बड़े एक्सपर्ट हैं और विदाउट uh, रिस्क आपको पॉइंट वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं सर्दियों में थोड़ा सा चैलेंज है स्प्रिंग के अंदर कि अगर आप अप्रैल में आते हैं तो स्नो होती है पासीस के ऊपर चांगला पर भी खरदुंगला के ऊपर भी हाँ। और अगर आप अगर बाईस रोजिला खुल जाता है जो आर्मी कई बार कोशिश होती है कि उनकी मार्च में खोल दें अप्रैल में भी खुल जाता है इस साल तो अप्रैल में खुल गया था तो बहुत बर्फ़ थी तभी लोग आते हैं अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी लेकर आते हैं कुछ करते हैं थोड़ा आप केयरफुल ये रहना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए चेन कैसे लगाते हैं चेन के बगैर आप क्रॉस नहीं कर सकते हाँ। चाहे आपके पास पावरफुल थार भी क्यों ना हो फोर व्हील ड्राइव गाड़ियाँ हो और भी हैं लेकिन चेन लगानी जरूरी है सेफ्टी के लिए तो लेकिन जो लोकल ड्राइवर्स होते हैं अपनी लोकल जो हमारी गाड़ियाँ हैं लद्दाख की दे आर वेल इक्विप्ड उनको पता है चेन के साथ कैसे चलाना है चेन किस पॉइंट पर लगानी है चेन किस पॉइंट पर उतारनी है यू नो दे नो दैट तो मैं तो हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि ठीक है एडवेंचर है आप अपनी गाड़ी लाइए सब कुछ करिए लेकिन अगर आपको उन कंडीशन में ड्राइव करना आता है तो और तभी रिस्क जनरली मैक्सिमम लोग नहीं नहीं, नहीं होते, हाँ, होते। हाँ, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं कुछ काफ़ी मतलब कुछ बुरी खबरें भी आई हमने देखी भी हैं वहाँ पर तो ये सब होता है इस पर हमने डिस्कशन भी किया कि अब आते हैं लोग अच्छे ड्राइवर भी होते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किस गाड़ी को पास किस स्टेज पर देना है नो वो सोचते हैं कि मेरा राइट है मैं ही जाऊंगा क्योंकि मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ कई होता है कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं पहले तो हम तो ज़्यादातर रूल तो ये होता है कि तक तक जो ऊपर आने वाली गाड़ी है उसको, उसको पहले, पहले, पहले पास दिया जाए हाँ। लेकिन हो सकता है कि ऊपर आने आने वाली गाड़ी के पास में चौड़ी जगह ज्यादा हो पास देने की और जो नीचे आने वाले के पास बिल्कुल नैरो है तो उसमें जिद नहीं करनी है कि मैं ऊपर आ रहा हूँ तो मैं पहले चलूंगा इस तरह की समझ होनी चाहिए तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो लोकल ड्राइवर्स ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं या दैट इज़ सर अगेन वी ड्राइव बैक द सेम पॉइंट की वाई अ लोकल ड्राइवर गाइड इज क्रिटिकल जी फॉर बेटर जर्नी जी एंड एक साथ में और चीज़ है ना कि अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो तो आप नज़ारों को इंजॉयमेंट नहीं ले सकते आ। ना आप क्लिक्स मार सकते हो जी तो वो अब आप गाड़ी चलाओगे या नज़ारा जिसके ऊपर आपने अच्छा खासा पैसा खर्चा सो द थाट की बेटर लेट द इंडिविजुअल ड्राइव इट एंड यू इन्जॉय अलॉन्ग विद योर फैमिली और फ्रेंड्स जिसके साथ आप गए प्लस एक और सर एक कुछ सालों से एक नई इवॉल्विंग हुई है लद्दाख में कि जो पहले नहीं था वहाँ पर अब कॉन्फ्रेंसिस बढ़ गई हैं क्योंकि लोग क्योसिटी से उस जगह पर आना चाहते हैं एंड नाउ सम होटल्स हैव स्टार्टेड मेकिंग कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज़ चाहे वहाँ पर ग्रुप छोटा आता है बारह से पंद्रह लोग बीस लोग तीस लोग पचास लोग बड़े ग्रुप्स जनरली नहीं जाएंगे क्योंकि होटल्स की कैपेसिटी नहीं है बट दिस इज़ समथिंग नाउ मोर विच इज़ अपकमिंग इन लद्दाख बाई इट्सर एंड साथ में प्री वेडिंग फंक्शंस भी hmm. आने लग गए हैं तो मार्केट तो एक्सपेंड कर ही रही है और लोग hmm. आ भी रहे हैं और लद्दाख मेरे हिसाब से तो अगर नॉन टी रूम रहे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि आप टीवी ही देखना है तो फिर तो अपने घर में बैठिए <laughs> Hmm. इतना पैसा और सब कुछ hmm. खर्च के फिर नहीं रिक्वायरमेंट है उसकी जो कि आप बाकी जगह देख सकते हैं तो मेरी नज़र में इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम श्रीनगर एंड देन डूइंग द होल एरियाज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इट्स प्रैक्टिकली ए मिनिमम एनीथिंग बिटवीन सेवन टू फिफ्टीन नाइट गुड जर्नी अगर आप इसको प्रॉपरली आ, देख रहे हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं